हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5-HT, जिसको सेरोटोनिन भी बोला जाता है। 5-HT की फुल फॉर्म क्या है? 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन। ओके, तो ये वो केमिकल है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, इसके लिए हमें एक अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। कौन सा अमीनो एसिड है? ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन ही वो अमीनो एसिड है जो हमारी सेल्स को, हमारे न्यूरॉन को हेल्प करता है ताकि वो 5-HT को बना सके। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि भाई 5-HT है क्या। ठीक है, ये तो हमें समझ में ज्यादा आ गया है कि ये केमिकल है। ठीक है, इसके हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं। जैसे ये हमारी क्या करता है, एपेटाइट को कंट्रोल करता है, हमारे मूड को आपका क्या करता है, आप बोल सकते हो कि मूड को स्टेबलाइज करने का काम करता है। अगर किसी इंसान को एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है तो वहां पे 5-HT का लेवल बढ़ाने से हम एंजाइटी और डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी ऐसे अनवांटेड प्रोडक्ट को, अगर कोई ऐसी चीज है जो आपने खा ली है और वो बहुत नॉजिएटिंग है, तो आपको उस फूड को आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कराने में भी ये हेल्प करता है। चाहे वो वॉमिट के थ्रू आप एक्सक्रीट करें, चाहे आप फीसिस के फॉर्म में एक्सक्रीट करें। ठीक है, दोनों ही केस में ये हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को भी ये कंट्रोल करता है। तो बहुत सारे, हमारी स्लीप है, हमारी जो सर्कैडियन रिदम है, हमारी जो मेलाटोनिन की वजह से होती है, ये उसे भी कंट्रोल करता है। तो ये सारे इफेक्ट हम समझने की कोशिश करेंगे, बट पहले हमें क्या पढ़ना है, सिंथेसिस, कैसे ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, अभी हमने क्या बोला कि हमारा एक एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफेन, जो क्या करता है, आपका 5-HT को हमारी बॉडी में बनाता है। ठीक है, तो वो कैसे बनाता है, पहले हम इसे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5-HT से रिलेटेड, वो है सिंथेसिस। ठीक है, और सिंथेसिस से भी पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में 5-HT बनता है, वो कहाँ बनता है, हमारी एंट्रोक्रोमेफिन सेल्स में। अभी एंट्रोक्रोमेफिन सेल कौन सी है, वन मिनट, यहां पे आएगा क्रोमेफिन सेल्स। कहाँ पे है ये सेल्स हमारी, क्या है, ड्यूओडेनम में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूओडेनम में ये सेल प्रेजेंट होती है। तो इन्हीं सेल्स के अंदर हमारा 5-HT सबसे ज्यादा अमाउंट में सिंथेसाइज होता है। तो हम बोल सकते हैं कि 95% जो हमारा 5-HT है वो एंट्रोक्रोमेफिन सेल में बनता है। पूरी बॉडी में जितना होता है ना, उसका 95% कहाँ बन रहा है, एंट्रोक्रोमेफिन सेल्स में। ओके, कहाँ पे है ये, हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, हमारी इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम पार्ट में ये सेल प्रेजेंट होती है, उसकी मेम्ब्रेन में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड, और कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हमारे न्यूरॉन्स में ये सिंथेसाइज होता है, जहां पे एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो 5% जो बचा हुआ सेरोटोनिन है वो कहाँ बनता है, हमारे न्यूरॉन्स में बनता है। ठीक हो गया, 5-HT का रोल न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में पता है ना, एक्साइटेटरी इनहिबिटरी दोनों इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो हम बाद में डिटेल में करेंगे। सो इसके अलावा ये दो तो सेल्स आपको समझ में आ गई कि भाई जो मैक्सिमम हमारा, जितना भी हमारा सेरोटोनिन है वो एंट्रोक्रोमेफिन सेल में ही बन रहा है, बचा हुआ कुछ रिमेनिंग अमाउंट है जो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर भी बनता है, बन रहा है। ठीक है, बट जो हमारा प्लेटलेट्स होती है ना, यहां भी हमारा, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो हमारी प्लेटलेट्स के अंदर भी 5-HT प्रेजेंट होता है। तो अब बात ये आती है कि भाई 5-HT वहां आ कैसे रहा है, तो ध्यान रखेंगे क्योंकि प्लेटलेट में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो सिंथेसिस वगैरह का तो सवाल ही नहीं उठता। तो प्लेटलेट क्या करता है, एंट्रोक्रोमेफिन सेल जो आपका बना रही है, सेल्स ने जो आपका 5-HT बनाया रिलीज किया होगा, या न्यूरॉन्स ने जो आपका 5-HT बनाया है वो भी रिलीज होकर सर्कुलेशन में आएगा। तो ये प्लेटलेट क्या करती है, केवल उस 5-HT का अपटेक कर लेती है, खुद से सिंथेसाइज नहीं करती है। तो जहां तक बात रही सिंथेसिस की, तो केवल एंट्रोक्रोमेफिन सेल और न्यूरॉन्स के अंदर 5-HT बनता है। प्लेटलेट्स में क्या होता है, प्लेटलेट केवल क्या करती है, अपटेक करती है, अपटेक ऑफ 5-HT। ठीक है, इसके अंदर सिंथेसाइज नहीं हो रहा 5-HT, ध्यान रखेंगे। चलिए आप देखते हैं एंट्रोक्रोमेफिन या फिर न्यूरॉन्स के अंदर 5-HT बनता कैसे है, उसकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो मैंने आपको बताया कि कौन है जो सिंथेसाइज करेगा, कौन सा अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन का स्ट्रक्चर फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारा ट्रिप्टोफेन का, इंडोल्ड रिंग होती है ट्रिप्टोफेन के स्ट्रक्चर में,
ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा, ट्रिप्टोफेन, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। ठीक है, ये हमारा ट्रिप्टोफेन है, ये अमीनो एसिड है बेसिकली। तो ये हमारी इंडोल रिंग है, इसके साथ हमारा क्या है, ये आपका एलानिन जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया, एलानिन जो कि अमीनो एसिड है, दो आपके इसमें कार्बन रहेंगे अगर इस तरीके से देखा जाए, अपार्ट फ्रॉम COOH। ठीक है, तो होता क्या है, देखो ट्रिप्टोफेन मेन मॉइटी है जिसके थ्रू हमारा 5HT बनने वाला है। अब बात क्या आती है कि ये ट्रिप्टोफेन आता कहाँ से है, तो ट्रिप्टोफेन ध्यान में रखिएगा, ये हमें डाइट के थ्रू ही लेना पड़ता है। ये इसेंशियल आपके अमीनो एसिड की कैटेगरी में आता है, और इसेंशियल की खासियत ये होती है कि ये हमारी बॉडी में बनते नहीं है, हमें इन्हें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। तो ट्रिप्टोफेन को भी आपको डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा। तो आपके डाइट में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें ट्रिप्टोफेन प्रेजेंट होता है, हालांकि बहुत सी चीजें हैं बट मैं मेन यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। आपका नट्स है, इनमें बहुत अच्छे अमाउंट में आपका ट्रिप्टोफेन प्रेजेंट होता है। फिश हो गया आपका, जिनमें आपका बेसिकली जो ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग आपके होते हैं प्रोडक्ट, उनमें आपको अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफेन मिल जाता है, क्योंकि ट्रिप्टोफेन को बूस्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेड मीट, ठीक है, इसमें भी बहुत अच्छा ट्रिप्टोफेन आपको मिलेगा अमाउंट। पाइनएप्पल में आपको मिलता है ट्रिप्टोफेन, तो ऐसे एग है आपका, इन सब चीजों में आपका ट्रिप्टोफेन बहुत अच्छा अमाउंट में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आप आपकी डाइट में ये चीजें होनी चाहिए ताकि आपको ट्रिप्टोफेन आपकी बॉडी को मिल सके, क्योंकि आपकी एंट्रोक्रोमेफिन सेल या न्यूरॉन्स आपकी डाइट पे डिपेंडेंट है टोटली 5HT को बनाने के लिए। ठीक है, तो ट्रिप्टोफेन कैसे मिलता है ये तो हमने देख लिया क्या क्या इसके सोर्स हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई ट्रिप्टोफेन से 5HT बनता कैसे है। देखो रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले आपका कौन सा एंजाइम काम करता है यहाँ पे, ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, सबसे पहले होता है हाइड्रोक्सिलेशन, ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपका क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन होगा, और देखो क्या बनेगा। सेम पहले मैं यही स्ट्रक्चर को पूरा ड्रॉ कर लेती हूं, ठीक है, CH COOH NH2, सेम यही स्ट्रक्चर बनाया। देखो काउंटिंग करके देखो, सबसे पहले नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबर देते हैं, ठीक है, इंडोल रिंग को। तो ये है, तो होता क्या है, जब ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये ट्रिप्टोफेन मॉइटी का क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है, और वो भी कौन सी पोजीशन में, फिफ्थ पोजीशन में। तो सिंपल सी बात है, फिफ्थ पोजीशन में OH ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो ये OH ग्रुप के अटैच होते ही अब इसको क्या बोलोगे आप, 5-hydroxytryptophan बोलोगे या नहीं बोलोगे, एक ही चेंज तो आया है, फिफ्थ पोजीशन में बस हाइड्रोक्सी ग्रुप जो अटैच हो गया है, हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो गया, बाकी का सब सेम है, यानी कि ट्रिप्टोफेन ऐसा का ऐसा ही है, केवल फिफ्थ पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप आया है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो फिफ्थ हाइड्रोक्सी जो ट्रिप्टोफेन आया है, अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा एंजाइम काम करेगा, कौन सा, फिफ्थ हाइड्रोक्सी यानी कि 5-hydroxytryptophan डीकार्बोक्सिलेज, यानी कि इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसीलिए लिखा मैंने 5-hydroxytryptophan डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, क्या होता है, केवल CO2 का रिमूवल ही तो होता है, तो ये CO2 रिमूव हो जाएगा इस तरीके से, ये बाहर निकल जाएगा गैसियस फॉर्म में, तो बचा क्या, फटाफट से करेंगे, क्या बचा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे है, CH2 है, CH है, और CO2 तो निकल गया, एक H ये है और एक ये NH2 ग्रुप है, तो एक जगह पे क्या करो आप, NH2 रख दो, एक जगह पे H लिख दो, तो ये आपका क्या बच गया, बची हुई मॉइटी है, और इसको आप क्या बोलोगे, इसी का नाम है 5-hydroxytryptamine। अभी अमाइन ग्रुप रह गया ना खाली, COS तो हट गया, CO2 इसमें से निकल गया, तो अब इसको क्या बोलोगे आप, 5-hydroxytryptamine, और यही क्या है हमारा, सेरोटोनिन। तो ये पूरी प्रोसेस है सेरोटोनिन फॉर्मेशन की, कि सेरोटोनिन की सिंथेसिस हमारी बॉडी में कैसे होती है, ठीक है, सेरोटोनिन कैसे बनता है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। 2-step रिएक्शन है, सबसे पहले ट्रिप्टोफेन का हाइड्रोक्सिलेशन होता है, हाइड्रोक्सिलेशन से फिफ्थ पोजिशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा तो 5-hydroxytryptophan मिल जाएगा, देन उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, CO2 ग्रुप रिमूव होगा तो
फाइनली जो बचा हुआ है वो क्या है आपका 5-hydroxytryptamine, केवल अमाइन ग्रुप रह गया इसलिए ट्रिप्टामीन। ओके, तो ये तो था सेरोटोनिन सिंथेसिस कैसे होती है विद इन एंट्रोक्रोमेफिन सेल और विद इन CNS। ठीक है, जो आपके एंट्रोक्रोमेफिन सेल है और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स है वो हमारा क्या ले लेंगे, ट्रिप्टोफेन जो हमने डाइट में लिया है वो ट्रिप्टोफेन को यूज करेंगे और इस तरीके से 5-HT को बनाएंगे। और प्लेटलेट क्या करेगी, जो बना बनाया 5-HT है इनके थ्रू ब्लड से उसका अपटेक कर लेगी केवल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये था लोकेशन एंड सिंथेसिस, ना इंपॉर्टेंट चीज है इसका मेटाबोलिज्म। ठीक है, एक बार अगर सपोज 5-HT बन गया सेल के अंदर, चाहे एंट्रोक्रोमेफिन सेल में बना हो चाहे CNS में बना हो, अब इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है हमारी बॉडी में। इन सेल्स ने तो बना दिया 5-HT को, लेकिन 5-HT का मेटाबॉलिज्म भी तो होगा ना, तो देखें कैसे होता है इसका मेटाबॉलिज्म। वो रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं 5-HT के स्ट्रक्चर को सबसे ऊपर ड्रॉ करूंगी और फिर इसके मेटाबॉलिज्म को आपको बताऊंगी कि किस तरीके से 5-HT हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बता रही हूँ, अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखो चाहे किसी भी तरीके से देखो। इसको हटा देते हैं हम। अब मैं स्ट्रक्चर किसका बना रही हूँ, 5-HT का। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड पॉइंट, जो क्या है आपका मेटाबॉलिज्म, कि बॉडी में हमारा सेरोटोनिन मेटाबोलाइज कैसे हो रहा है। तो सेरोटोनिन का स्ट्रक्चर क्या है, 5-hydroxytryptamine, यही है ना, अभी देखा था ना बनते हुए से, ये है हमारा सेरोटोनिन का स्ट्रक्चर 5-HT का, 5-hydroxytryptamine। बनता कैसे है हम ये देख चुके हैं, अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई इसका मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में कैसे होता है। तो देखिए इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो सबसे पहले जो हमारा सेरोटोनिन है ये हमारा क्या करता है, माओ एंजाइम की प्रेजेंस में, माओ भी किसकी बात कर रही हूं मैं, स्पेसिफिकली माओ ए की बात कर रही हूं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम, पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, पहले भी मैंने लेक्चर्स लिए थे, मैंने बताया था कि माओ जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज है ये एंजाइम क्या करते हैं, हमारे जितने भी मोनोअमीन्स हैं ठीक है उनके मेटाबॉलिज्म के लिए, उनके डिग्रेडेशन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो माओ ए है ये स्पेसिफिकली वर्क करता है 5-HT पे और नॉरएड्रेनालिन पे, दोनों ही मोनोअमीन है। ठीक है, इन दोनों का ये मेटाबॉलिज्म करता है, जबकि माओ बी किसके लिए ज्यादा आपका इफेक्ट दिखाता है, डोपामीन पे अपना एक्शन ज्यादा दिखाता है। तो मैं माओ ए की बात कर रही हूँ क्योंकि 5-HT के मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम आपका रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, माओ ए है। देखें माओ ए क्या करता है, तो ध्यान में रखिएगा कि माओ ए की वजह से क्या होता है आपका, मैं यहां पे लिख देती हूँ, इसकी वजह से होता है हमारा ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। और अगर आपने केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन कैसे होता है तो आप आसानी से कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको बता ही रही हूँ कैसे होता है। तो देखते हैं ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन कैसे होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे जो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होता है ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है, एक सिंगल स्टेप नहीं होता है इसके लिए। तो कैसे होता है देखो सबसे पहले। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में क्या होगा आपका, ठीक इस एरो को मैं थोड़ा सा आगे कर देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कोफैक्टर को दिखाना है। ठीक, तो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में क्या होता है, हमारा NAD यूज होता है एज ए कोफैक्टर। ठीक है, NAD सबको पता है, ठीक है, विटामिन B3। ठीक है, NAD यूज होगा और होगा क्या, देखो NAD कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव में, यानी कि NAD क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। ठीक है, NAD था और किस में कन्वर्ट हो गया, NADH प्लस H पॉजिटिव, यानी कि ये दो हाइड्रोजन को इस पूरे मॉलिक्यूल से अपने साथ लेके जाने वाला है। अब देखें वो दो हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, एक तो ये है वो हाइड्रोजन कार्बन के साथ जो अटैच्ड है, और एक हाइड्रोजन कौन है, NH2। ठीक है, N के साथ दो H होते हैं ना, तो एक H यहां से जाने वाला है। तो NAD आया, NAD ने क्या किया, एक दो H यहां से लेके चला गया इस पूरे कंपाउंड से 5-HT से, एक H को कौन सा गया जो कार्बन के साथ अटैच है, एक किसके साथ गया जो नाइट्रोजन के साथ अटैच है। तो बना क्या, फटाफट से इसे देखते हैं क्या बना, सेम मॉइटी पूरी वही रहेगी, CH2 CH और क्या रह गया, डबल बॉन्ड NH, सही किया है ना।
क्यों? क्योंकि ये जब एच यहां से हटा तो ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के पास क्या रह गया, देखो एक एच रहा एक एनएच रहा, तो ये बॉन्ड जब ट्रांसफर होगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं हम, इमीनो इंटरमीडिएट, इमीनो कंपाउंड है ये, डबल बॉन्ड एनएच जहां पे आ जाता है, तो ये है इमीनो इंटरमीडिएट जो बीच में बना है, ठीक है। अब ये तो पहला स्टेप था रिएक्शन का, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, देखो सेकेंड स्टेप में क्या होगा आपका, बहुत सिंपल है, वॉटर अंदर एंट्री लेगा। आप देखो क्या होगा, वॉटर के अंदर एंट्री लेने से क्या होने वाला है, देखो जो ये आपको दिख रहा है H2, ठीक है, ये H2 जो है इस NH के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। ये H2 क्या करेगा, इस NH ग्रुप को अपने साथ लेके जाएगा और क्या बना देगा, NH3, और NH3 गैस के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगी, यानी कि NH3 बाहर निकल गया। अब बचा क्या, NH CH2 CH डबल बॉन्ड, NS तो यहां से चला गया और H2O में से भी H2 अपने साथ लेके गया, बचा क्या O, तो यहां पे क्या आ गया O, तो ये फाइनल स्टेप है। क्या मिल गया हमें, इसका नाम क्या है लिख लेते हैं, 5-hydroxy इंडोल। अब इसे ट्रिप्टोफेन तो कह नहीं सकते क्योंकि आगे का पूरा जो ये आपका रहता है आपका एलानीन ग्रुप वो पूरा हट चुका है अमीनो एसिड, तो 5-hydroxy इंडोल, क्योंकि रिंग का नाम क्या है इंडोल, और ये क्या है एसिटल डिहाइड, क्या है एसिटल डिहाइड 1।